की जय, सूर्य देव की जय, छठ मैया की जय, भारत माता की जय। तू गए सूरज देव दुईया बर गदेव तुहा करते बरतिया हुई बोरिया अरग देव तुहा। छठ मैया की जय। लोक आस्था का पर्व छठ है। छठ महोत्सव की जय, सूर्य देवता की जय। आज आप देख रहे हैं गुरुग्राम के धरा पर पूरा पूर्वांचल प्रकोष्ठ पूर्वांचल समाज माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के शुभ अवसर पर पहले ही तैयारियों को लेकर PWD रेस्ट हाउस में भव्य बैठक के बाद आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। सभी गुरुग्राम और पूरे हरियाणा वासियों से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रदेश संयोजक होने के नाते कि आप छठ महोत्सव में हिस्सा लें और आशीर्वाद प्राप्त करें उन बहनों से जो 4 दिन लगातार व्रत रहकर सुख शांति के लिए उपासना करती हैं, और ख़ास तौर से गुरुग्राम वासियों से, गुरुग्राम के कार्यकर्ताओं से और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं प्रार्थना करता हूँ इस महोत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और सूर्य देव से प्रार्थना करें कि हरियाणा हरा भरा इसी तरह दिखाई दे और विश्व के पटल पर एक नाम हो। भारत माता की जय। भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुजीत कैमरी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्वांचल समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुजीत कैमरी, भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल प्रकोष्ठ हरियाणा प्रदेश का संयोजक। आज गुरुग्राम का प्रवास में आप देख रहे हैं रेस्ट हाउस में सभी माननीय कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के गुरुग्राम की छठ महोत्सव के लिए दिन रात एक करके लगे हुए हैं। हमारे साथ आदरणीय जिला के संयोजक विपिन जायसवाल जी, प्रदेश के हमारे सह संयोजक अभी फरीदाबाद से नंद जी पहुँचे हैं, मीडिया प्रभारी संत जी और तमाम जिले के सह संयोजक प्रदेश कार्य समिति के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। हरियाणा के लिए गौरव का विषय है, ख़ास तौर से हरियाणा में जो पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं, कि छठ महोत्सव पर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी गुड़गांव के धरा पर आएंगे और हम सभी को आशीर्वाद देंगे। और इस छठ पर्व की महिमा जो देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपने मंच से पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी डूबते हुए सूरज की बखान की थी, उसी तरह से हरियाणा वासियों के लिए इसका महत्व बताने गुरुग्राम में मनोहर लाल जी आ रहे हैं। इसी तरह से पूरे 22 जिला में, जैसे आप फरीदाबाद में हमारे प्रदेश के ओजस्वी प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ जी पहुंच रहे हैं, यमुनानगर में वहां के मंत्री पहुंच रहे हैं, कुरुक्षेत्रा में पहुँच रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारे भोजपुरी और मैथिली में भी बोलेंगे, और उनके लिए हम अगर बोलने नहीं आएंगे तो उनके लिए हम लिख के देंगे। और ये बिल्कुल ही सही बात है कि हमारे भाषा, मातृभाषा जो है उनमें हमारे मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, हम आशा करते हैं। गुरुग्राम में सैकड़ों जगह छठ पूजा हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आने के उपलक्ष में गुड़गांव के शक्ति पार्क में सेक्टर 10 ए मार्केट के बिल्कुल साथ में शक्ति पार्क है, जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और पूरे पूर्वांचल समाज के सभी लोग एकजुट होकर छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं और भव्य आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और कुछ जो छठ घाट पे आपको अलग दिखने को मिलेगा। षष्ठी के इस पावन अवसर पर इस बार पूर्वांचल वासियों के लिए बेहद गर्व का की बात है ये कि हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी शक्ति पार्क 10 सेक्टर 10 खानसा रोड पर अर्घ देने के लिए आ रहे हैं। और इस समय इस शुभ अवसर पर हमारी सारी बहनें मातृशक्तियाँ एकत्रित होंगी और उन्हें अपने पूर्वांचल वासियों की लोक सम्मत जो भी हमारे गीत होते हैं और संगीत का कार्यक्रम होता है, नृत्य होता है, वो सभी उनकी प्रस्तुति होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। RBM न्यूज
हमेशा सच के साथ।